ओह माय गॉड। चलिए एक बार फिर से जिंदगी मौत से रूबरू होने के लिए हम लोग आ गए हैं, ये कहाँ पे? साईं पैकेजिंग फैक्ट्री है। अच्छा, कार्टून फैक्ट्री। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजकुमार भाई हमारे हो गए और पुराने मित्र भी हैं और भाई भी हैं हमारे, और इनका कार्टून फैक्ट्री में जो है कि सांप दिखा गया है। इसका कैसा सांप है पता है क्या? वो तो वही लोग बताएगा, जैसे ही बोला तो आपको फोन किए हैं। अच्छा चलिए चलिए, आइए दिखाइए, आइए चलिए। और चलिए आ गए हम लोग। अच्छा, और यही काम यहीं पे काम हुआ है, यहीं पर हो रहा था, वही लोग देखे हैं। अच्छा, और ये लोग यहाँ देखिए फट्टा 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 लिए हुए हैं। आज देखिए इधर दिखाइए, ये भी फट्टा लिए हुए हैं और उधर भी देखिए, सब लोग जाने के सांप को घेर के रखे हुए हैं। चलिए आइए आइए आइए। और किधर देखे थे सांप? सांप इधर देखे हैं, इधर आया है। अच्छा अच्छा, यही सब बंधा रहा है और कचरा। और यहाँ पे देखिए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम चंदन कुमार। चंदन जी हो गए उधर, दीपक जी उधर ही सांप है ना? क्या नाम हुआ? चंदन। चंदन जी, कैसा सांप था वो? हरियर रंग का सांप था। हरियर रंग के? ओह माय गॉड। और फट्टा काहे रखे हुए? वही मारने के लिए रखे हुए, सांप को मारने के लिए। आइए एकदम शांति बनाए हुए हैं सब लोग, एकदम मतलब कि एकदम गहन चिंतन में। वहां भी दिखाइए, वहां भी लाठी रखे हुए हैं, और यहाँ दिखाइए वहां पे, वहां भी जो है कि क्या कर रहे हो? क्या ली उससे? सांप को आप मार दीजिएगा, मुंह में डालेंगे। अरे हद है, लेकिन सब चलिए इसको हटा लीजिए तो थोड़ा इधर खींच लीजिए, इधर खींच लीजिए, इधर की ओर खींच लीजिए, पूरा खींच लीजिए थोड़ा। हाँ, और बहुत सारा कचरा है ये। हाँ हाँ, एकदम एकदम। और ये सब बाहर जाता है? बड़ा विचित्र। ओहो, और दिखा यहाँ दीपक जी, दिखाइए इधर। और गजब ये सांप लग रहा है। ओह माय गॉड। और ये देखिए सांप को, ये सांप एकदम अलग ही विचित्र टाइप के दिख रहा है। चलिए चलिए। ओह, और ये कौन सांप है? और इसे मुझे पता नहीं, इसे हम लोग पहले इधर लाते हैं। ओह देखिए इधर, इसको हम लोग पहले, ये सांप बहुत ही विचित्र है, इस सांप को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सांप है। ओह नो। और देखिए किस तरह से भाग रहा है, और देखिए किस तरह से भागने की कोशिश कर रहा है। ओह नो। और इस सांप को गजब ही, लेकिन ये कलर जो है कि बहुत ही डिफरेंट कलर है ये, और इस तरह का कलर जो है कि अमूमन जो है कि देखने को मिलता नहीं है। और ये सांप जो है कि गजब का एकदम, ये सांप देखने में गजब लग रहा है, लेकिन ये सांप आखिर, जी जी हाँ, ये भाग रहा है। और इसे हम लोग, ओह माय गॉड। और देखिए किस तरह से गजब का, ओह नो। और ये धीरे धीरे एग्रेसिव होगा, और ये देखिए भाग रहा है। ओह सही सलामत इसे हम लोग जंगल में छोड़ देंगे या फिर वन विभाग के हैंड ओवर कर देंगे। अब देखिए, अब धीरे धीरे एग्रेसिव होना चालू। ओह माय गॉड। और गजब का एग्रेसिव। ओह, और देखिए किस तरह से अब एकदम धीरे धीरे एग्रेसिव होना चालू। अब धीरे धीरे, ओह अब धीरे धीरे, ओह माय गॉड। अब ये धीरे धीरे एग्रेसिव। ओह देखिए किस तरह से, इस तरह से अटैकिंग मुद्रा में गजब का। ओह माय गॉड। ओह नो, गजब का अटैकिंग मुद्रा, इस तरह का जो है कि मूवमेंट, ओह नो, बहुत ही कम देखने को मिलता। ओह नो, और किस तरह से उछल कर जो है कि देखिए किस तरह से छुपना चाहता है पहले। ओह नो, अटैकिंग मुद्रा में देखिए, और फन को जाने की फैलाकर, ओह। और इसे हम लोग अब सही सलामत इसे हम लोग रेस्क्यू कर लिए, और सही सलामत इसे हम लोग, और देखेंगे किस तरह से एकदम अटैकिंग मुद्रा में आएगा। और
जी आप लोग जहां हैं वहीं पे रहें। ओह माय गॉड, और ये एकदम अटैकिंग, यस अटैकिंग मुद्रा में, ऐसा अटैकिंग मुद्रा जो है कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, एकदम अटैकिंग मुद्रा में आएगा। ओह माय गॉड, ओह नो, ओह माय गॉड। चलिए सांप को हम लोग सही सलामत रेस्क्यू कर लिया और सही सलामत इसको हम लोग छोड़ देंगे। देखिए ये सांप जो है ना आपके यहाँ, ये क्या कहते हैं, कलर उलर का भी काम चलता है ना? जी हाँ, तो ये सांप जो है ना कि, ये सांप को गौर से देखा, ये सांप जो है ना कि धामन सांप है, इसे ही हम लोग रैट स्नेक बोलते हैं, क्योंकि ये सांप में जो है कि विष नहीं होता। ओह माय गॉड, लेकिन अटैकिंग मुद्रा में बाइट करने के लिए हमेशा जो है तैयार रहता है। और ये सांप जो है ना कलर में जाने के कारण जो है, कलर में जाने के कारण जो है कि इस तरह का सांप हो गया है, क्योंकि ऐसा जो है कि ग्रीन मांबा होता है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, और यहाँ पर जो है कि ये सांप जो है कि ग्रीन मांबा पाया नहीं जाता है, इसलिए ये सांप जो है कि यहाँ पे अमूमन जो है कि हमारे अंदाज से कलर में जो है कि ये गिर जाने के कारण जो है कि ये सांप जो है कि इस तरह का हो गया है, क्योंकि इसका केचली भी जो है कि निकल रहा है, देख सकते हैं इसका केचली, अब इसका धीरे धीरे केचली निकल कर ये अपना असली रंग जो होता है इसका, उस रंग में ये आने के को आ, आ, ये आ जा रहा है, क्योंकि इसका जो है कि ऊपर का परत जब निकल जाएगा तब जो है कि ये अपने कलर में आ जाएगा। और ये सांप जो है कि जब इसको हैंड के ऊपर जब हम लोग उठा लेते हैं ना, तो उसके बाद ये काटना जो है कि समझ के भूल जाता है, और जैसे इसको हम लोग धरती पर रखेंगे, और ये सांप जो है कि अमूमन हमारे अंदाज से ये सांप क्या कहते हैं फीमेल है, क्योंकि इसका जो है कि यहाँ पे शायद मेटिंग करने के बाद ये अंडा जो है कि यहाँ पर जो है कि अब्जर्व पतला होते जा रहा है और यहाँ पे मोटा होते जा रहा है। चलिए इसे हम लोग सही सलामत रेस्क्यू कर लिया और सही सलामत इसे हम लोग, आप देखिए कितना सारा टट्टी यहाँ दिखाइए, कितना सारा टट्टी आप लोग देखे हैं कभी सांप का, ये देखिए कितना सारा टट्टी है सांप का ये। चलिए इसे अब हम लोग इसे सही सलामत इसे हम लोग, और देखिए केचली अब उतरना चालू हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। और ये सांप जो है कि कोई हरा सांप नहीं है, ये सांप जो है कि कार्टून फैटिक हमारे बेला में बहुत सारे हमारे मित्र का ही है, और होता क्या है कि जब एक ये सांप आ जाता है ना, कलर का ये डब्बा बना रहता है ना, उससे गुजर कर निकला तो ये जो है कि कलर में जो है कि कलरफुल हो जाता है, मतलब कि अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए ये सांप जो है कि कलर में चला जाता है, ऐसा माना जाए। चलिए इसको हम लोग, दीपक जी कैरी बैग दे दीजिए मुझे, ऐसे हम लोग सही सलामत इसमें ही डालते हैं, और इसमें डालते ही इसको हम लोग रिलीज कर देंगे। और देखिए अंदर जाने को तैयार नहीं, शायद ये राजकुमार भाई के फैटिक में ही ये रहना पसंद कर रहा है। चलिए इसको कितना प्यार से हमने इसका मुंह भी पकड़ लिया और किसी को पता भी नहीं चला, पता चला था क्या मुंह पकड़ लिए थे इसका? नहीं देख पाए, कितना प्यार से इसका मुंह मैंने पकड़ लिया। चलिए इसको सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया और सही सलामत इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा या फिर वन विभाग के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।